सब वेलकम टू अ न्यू डे। आज हम जा रहे हैं ऑस्ट्रिया के दूसरी सिटी हॉलस्टैड। ये मेरा बड़ा मन था इस सिटी में जाने का, क्योंकि जैसी मैंने पिक्चर्स देखी थी सिटी की, मेरा तभी मन हो गया था कि मैं वहाँ जाऊँ। सो बेसिकली ये सिटी भी नहीं है, इट्स अ विलेज, बहुत पुराना विलेज है और अब तो विलेज रहा नहीं, अब तो थोड़ा टूरिस्ट स्पॉट ही हो गया। जो पहली सॉल्ट माइंस होती थी ना, वो यहीं हुई थी स्टार्ट, इसलिए बड़ा फेमस है ये। और वहाँ से जो नज़ारे हैं, वहाँ का जो व्यू है, वो अलग ही है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, इट्स अ ब्राइट सनी डे, तो आज जैकेट वैकेट की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। अभी चलते हैं, अभी मैं स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से फटाफट निकल के पहुँचते हैं। A few hours later. Okay guys, finally reached Hallstatt. बहुत ही अमेजिंग वेदर है आज, मज़ा आ रहा है। दिन बड़े दिन बाद अच्छी धूप निकली है, वरना वो जैकेट पहन पहन के मैं तो परेशान हो गया था। मेरे पीछे का व्यू बड़ा अमेजिंग है, दिख ही रहा होगा आपको। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ऑस्ट्रिया का, ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, ऑलमोस्ट स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है। तो जैसे ये पूरा पीछे का एरिया, पहाड़ वहाड़, तो काफ़ी अमेजिंग है। सो गाइस, हॉलस्टैट की जो माइन है, दिस इज द ओल्डेस्ट माइन इन द वर्ल्ड। ये एक थोड़ा सा रिव्यू दे रखा है उसका। तो ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर, ये फनिकुलर ऊपर तक जा रहा है, जहाँ पे सॉल्ट माइन का म्यूजियम वगैरह है और कहाँ पे सॉल्ट माइन थी दुनिया की सबसे पुरानी। बट कल मैं फनिकुलर में बैठ चुका हूँ, तो इसलिए आज मैं नहीं बैठने वाला, मेरा हो गया। और म्यूज़ियम मुझे देखने का इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और मेरा टाइम बचेगा, तो इसलिए आज मैं जा नहीं रहा। बट फिर भी मैंने बता दिया कि ये ऊपर क्या है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अभी मैं विलेज के अंदर जा रहा हूँ और जाके तरह चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसा है अंदर से। अभी हम बोट राइड भी करेंगे, बट वो लास्ट में करेंगे, तो थोड़ा सनसेट होने वाला होगा, तब करने ज़्यादा मज़ा आएगा। तब तक ज़रा आगे तक विलेज एक्सप्लोर करके आ जाएं, वरना फिर छूट जाएगा। तो ये यहाँ के पुराने पुराने घर हैं, जितने भी हैं मेरे पीछे, आज भी वैसे ही हैं, ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं है, वैसे ही है, तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेन सेंटर है इस विलेज का। यहाँ पे घरों का जो कलर है वो बड़ा अट्रैक्टिव है, लाइक मैं दिखाता हूँ, लाइक ये अलग कलर का है, फिर ये अलग कलर का है, फिर ये अलग है, ये थोड़ा वाइट है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब इन शॉर्ट सारे घरों का कलर काफ़ी अट्रैक्टिव है, हर घर का कलर अलग अलग है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये यहाँ का मेन पॉइंट है, अभी और आगे जाएंगे। ओके गाइस, दिस इज द मेन पॉइंट, यहाँ से पूरा हॉलस्टैट दिखता है। आपने जितनी वीडियोस देखी होंगी, अगर बाय चांस तो यहीं पे खड़े होकर सब शूट करते हैं, मैं भी यहीं खड़े होकर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से व्यू काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ से हमने नीचे से स्टार्ट किया था चलना, अभी हम यहाँ तक आ गए हैं। मैं तो चलते चलते बहुत आगे तक आ गया, अभी वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर सेंटर था, और बोटिंग करते हैं। बोटिंग में सोचा लास्ट में करेंगे, आई थिंक वक्त आ गया है बोटिंग करने का। अब जैसे आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है, बट सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत है, ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है, इस पूरी सड़क पे, पूरे घरों पे, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। कभी कभी यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिराती है, रास्ता दिखता भी नहीं है। जनवरी में बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाती है, और ऊपर पहाड़ों पे तो अलग ही जाना, वहाँ ऊपर जाना तो उस टाइम पे मौत से खेलने के बराबर होता है। मेरे पीछे काफ़ी बड़ी लेक है, वो दूर तक फैली हुई है, तो तब यहाँ पे बोटिंग जब करने जाते हैं तो लोग एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटे के लिए चले जाते हैं, काफ़ी दूर तक है लेक। तो अगर आपको यहाँ से उस पार जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो,
तो इसलिए लास्ट चीज़ जो करनी थी वो है बोटिंग। बैठ गया हूँ मैं, स्टार्ट हो गई है और अभी सनसेट हो गया, तो काफ़ी अच्छा अमेजिंग वेदर है इस टाइम। अब जैसे जैसे पानी के पास जा रहे हैं ठंड लग रही है। तो ये बोट राइड चलेगी आधे घंटे तक। अभी हम जो माउंटेन है उसके एंड तक जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सरप्राइजिंगली से दो तीन लोग ही बैठे हैं मेरे साथ, कोई बैठा भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। अब हम लेक के बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं, तो काफ़ी ठंड हो गई है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम काफ़ी फन है। यहाँ से जो पूरा हॉलस्टेड का जो विलेज है वो पूरा यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से सनसेट काफ़ी क्लियर दिख रहा है, सन की जो रेज़ पड़ रही है इस टाइम काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड है, थोड़ी थोड़ी फिर गर्मी आ रही है। सही कॉम्बिनेशन है। जो ये सारे माउंटेन इतने दूर लग रहे थे वहाँ मार्केट से, अभी इतने पास लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पीछे ही खड़े हैं, तो अभी काफ़ी करीब तक आ गए हैं इनके। बोटिंग एक्सपीरियंस बहुत फन, बहुत मज़ा आया। आगे तक गए बिल्कुल और माउंटेंस काफ़ी क्लोज दिख रहे थे वहाँ से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो। दूर से देखने में अलग बात है, पास जाके देखने में अलग बात है। तो काफ़ी गाइस स्टेशन आ गया हूँ मैं, अब यहाँ से जा रहे सीधा अपने होटल और वहाँ से फिर कल कहीं और के लिए निकलना है। तो काफ़ी एक्साइटिंग ट्रिप होने वाला है ये। अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, एनर्जी डाउन हो गई है सुबह से जब चल चल के, बट अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा होटल जाएंगे और सुबह कहीं और के लिए निकलेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, जो भी होता है सब कर देना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।